नमस्कार दोस्तों, मैं कनीश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल जी के वाट में। तो दोस्तों, आज का जो पेंटिंग है वो है स्मोकिंग ओल्ड मैन का पेंटिंग। तो दोस्तों, इससे पहले मैं मेरे चैनल पर ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट बना चुका हूँ ऑयल पेस्टल से, बट इस तरह का जो स्मोकिंग ओल्ड मैन का पेंटिंग है वो पहली बार मैं मेरे चैनल पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अगर ऑयल पेस्टल पेंटिंग पसंद करते हो और सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने फेस से स्टार्ट किया है और मैंने अप्लाई किया है वाइट, जहाँ पे मुझे हाईलाइट दिखाना है और थोड़ा सा लाइट रखना है फेस पर। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा वाइट कलर का यूज़ किया और उसके बाद मैं नेक्स्ट कलर जो मैंने चूज़ किया है वो है फ्लैश टिंट। और मैं बहुत ही हल्के हाथों से कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूँ फेस पर। तो दोस्तों, चश्मा का जो पार्ट है उसे छोड़ के मैं बाकी जो पोर्शन है उस पर फ्लैश टिंट कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आप ऑयल पेस्टल से कलर करो तो पहले ही कलर को आप ज़्यादा डार्क ना करें, आप लाइट डार्क की तरफ जाए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले आप धीरे धीरे लाइट कलर्स का यूज़ करते करते बाद में डार्क कलर की तरफ जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने जो कलर लिया है वो है ऑरेंज। और सेम तरीके से मैं ऑरेंज और फ्लैश टिंट के कॉम्बिनेशन से फेस का जो कलर है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर से मैंने लिया है ऑरेंज थोड़ा सा डार्क करने के लिए गले के पोर्शन पर। और दोस्तों, मैंने अभी लिया है येलो ऑकर। तो दोस्तों, मैं पहले ब्लेंड नहीं करूँगा, पहले मैं कलर्स को अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करूँगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप कलर को अप्लाई करते जाओ और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करो, थोड़ा थोड़ा करके कलर को अप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप कलर को अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर सकते हो। तो अभी दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा डार्क दिखाना है, डार्क एरिया, वहाँ पर मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं ब्लेंड कर रहा हूँ अभी फेस को फिंगर्स की मदद से। तो दोस्तों, आप जब ब्लेंड करो तो ज़्यादा प्रेशर का आप अप्लाई मत करना, आप लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंड करना। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं पूरा जो फेस है उस पर मैं ब्लेंड कर दूंगा। और सेम तरीके से जैसे मैंने फेस पर कलर को अप्लाई किया था, वैसे सेम तरीके से मैं हाथ का जो कलर है उस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम कलर, जैसे पहले मैंने यूज़ किया फ्लैश टिंट, और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ पिंक। और अभी मैं जो कलर अप्लाई कर रहा हूँ वो है ब्राउन, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने फेस पर कलर को अप्लाई किया था। अभी दोस्तों, जो फिंगर्स है मैं उस पर कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। दोस्तों, ब्लेंड करने के बाद जो चश्मा है मैं उसको कलर कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने लिया है डीप येलो, और दोस्तों, मैं पूरा जो चश्मा है उस पर डीप येलो कलर को अप्लाई करने के बाद मैंने लिया है वर्मिलियन ह्यू, और थोड़ा सा मैं बीच बीच में डार्क करते हुए जा रहा हूँ।
तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं चश्मे पर वर्मिलियन ह्यू कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। तो फेस पर जहाँ पे मुझे डार्क रखना है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा, और फेस का जो रिंकल्स वगैरह है, क्योंकि ये ओल्ड मैन है तो उसमें भी मैं यूज़ करूँगा ब्राउन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ फेस पर। और आईज के पास, नाक में जहाँ पे डार्क थोड़ा होगा वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। और दोस्तों, मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स के मदद से। और दोस्तों, ब्लेंडिंग के बाद हाथ को भी मैं सेम तरीके से जो है कलर करूँगा ब्राउन कलर का यूज़ करके। और सेम तरीके से दोस्तों मैं कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और इसको भी मैं ब्लेंड करूँगा फिंगर्स की मदद से। तो दोस्तों, पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको लाइट रखना है, कहाँ पे डार्क रखना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको खुद ब खुद आइडिया धीरे धीरे आता जाएगा। दोस्तों, हेयर्स जो है उसमें मैंने यूज़ किया है डार्क ब्राउन, और उससे पहले मैंने यूज़ किया था वाइट। और दोस्तों, मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से साथ ही साथ। तो दोस्तों, अभी जो आईज है उस पर मैं सबसे पहले मैंने किया ऑरेंज, और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। और अभी जो कैप है दोस्तों उसको मैं कलर कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैंने लिया है ग्रे। और थोड़ा सा मैंने यूज़ किया वाइट हाईलाइट के लिए, और ग्रे के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू। तो दोस्तों, मैं कैप पर भी सेम तरीके से पहले ग्रे करके फिर अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ करके उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगा। तो पहले मैं कलर का अप्लाई कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ कलर्स को। तो दोस्तों, आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। अगर आप बिगिनर हो तो आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका ब्लेंडिंग भी स्मूथ होता जाएगा। और दोस्तों, कपड़े पर मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू, और ब्लेंड कर रहा हूँ सेम तरीके से। और अभी दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले ब्राउन, और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, बट आप अगर पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले अगर कोई कलर का अप्लाई कर लो उसके बाद ब्लैक आप अप्लाई करो,
तो पेंटिंग में एक डेप्थ आता है और देखने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी कपड़े पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन और सिरुलियन ब्लू और थोड़ा सा वायलेट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न जो है कपड़ों पर लाने के लिए मैं जो दो कलर है ब्राउन और सेरुलियन ब्लू ये मैंने यूज़ किया और थोड़ा सा बीच बीच में वायलेट भी अप्लाई किया कि देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों सेम तरीके से अभी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। और दोस्तों अभी मैं बैकग्राउंड पर कलर कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन, क्योंकि दोस्तों मैं जैसे ज़्यादातर वीडियो में मैं पहले ब्राउन यूज़ करके या कोई दूसरा कलर यूज़ करके फिर मैं ब्लैक को अप्लाई करता हूँ, तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी करूँगा। और अभी कैप पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्लैक। तो दोस्तों बैकग्राउंड में मैं ब्लैक कलर का अप्लाई कर रहा हूँ बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ और ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। तो सेम तरीके से दोस्तों मैं बैकग्राउंड को भी ब्लेंड कर लूँगा जैसे मैंने कैप को किया है। दोस्तों अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैश टिंट और डीप येलो और उसके बाद मैंने यूज़ किया थोड़ा सा वर्मिलियन ह्यू। तो दोस्तों उसके बाद गले पर जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए होगा वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक और उसके बाद दोस्तों मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। और दोस्तों मैं जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का अप्लाई किया था मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से और अभी जो स्मोक है उसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट कलर। और दोस्तों मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। हाँ पेंटिंग और डिटेलिंग जो मैंने किया है वो HB और 6B पेंसिल को यूज़ करके किया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों मैं फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।